हेलो, हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू द सेशन एंड यू आर इन द यूट्यूब क्लास जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस मस्ट डू, राइट? सो दिस इज फॉर द लर्नर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ISC क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. सो उनके लिए ये सेशन है और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, राइट? एंड दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली वन एंड टू एंड थ्री मार्कर क्वेश्चंस व्हिच यू मस्ट डू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो उससे पहले आपको ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, राइट? तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर द सेशन. एंड वन सेकेंड, तो हाउ इज योर एग्जामिनेशन गोइंग ऑन, योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन राइट नाउ? आर यू रीडिंग योर बुक्स एंड ऑल? वाई इज इट टेकिंग टाइम? Don't know why it's not working. So let's start the session, है ना? कुछ पता नहीं टेक इश्यू आ रहा था, नाउ इट्स सॉल्व, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं. इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, देन माई नेम इज लक्ष्य एंड आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर, राइट? हमारे सेशंस जो हैं वो आपके लिए यूट्यूब पर भी और अनअकेडमी की क्लासेस पर भी अवेलेबल हैं. सो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दीज सेशंस. एंड इफ आई टेल यू अबाउट सम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल लिंक, सो इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो देयर चेकआउट. आपको फर्स्ट लिंक जो मिलेगी दैट इज माई पर्सनल चैनल लिंक, जहाँ पर आपको सेशंस के रिगार्डिंग जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी की जानकारी मिल जाएगी, राइट? लाइक आपके कौन सा सेशन किस दिन होने वाला है, ये सब डिटेल्स जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी. सेकेंडली इफ आई टेल यू सेकेंडली दैट इज सेकेंड चैनल लिंक, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द ऑफिशियल चैनल लिंक जहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी आपके अपकमिंग सेशंस के बारे में, कुछ नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है? डेफिनेटली जस्ट गो एंड इनको देखिए, जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप इन चैनल्स को, ठीक है? इट्स एब्सोल्युटली फ्री. सेकेंडली दैट वी आर ऑल्सो हैविंग द इंटरेक्शन ऑन द स्पेशल क्लासेस, एज वी ऑन अ डेली बेसिस वी मीट ऑन द यूट्यूब सेशन, सिमिलरली वी आर हैविंग द स्पेशल क्लासेस एज वेल. सो दैट इज ऑन द अनअकेडमी प्लेटफॉर्म, सो यू कैन कम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड एक्सप्लोर मैनी न्यू थिंग्स देयर. एक दो तीन नहीं, ऐसी बहुत चीजें हैं वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए. यू गेट द प्लानर देयर, यू गेट द प्रैक्टिस क्लासेस देयर, है ना? वहाँ पे आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगी, यू हैव द डाउट क्लियरिंग सेशन देयर, है ना? बहुत कुछ होता है, तो आप एक्सप्लोर कीजिए अपने इस अपने, है ना, राइट? आप ही का है तो अपने इस प्लेटफॉर्म को, अनअकेडमी प्लेटफॉर्म को. एंड वहाँ पे आपकी रियल टाइम इंटरेक्शन होती है आपके एडुकेटर के साथ. यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द बाय बाय टाइपिंग योर क्वेश्चन, बाय सेंडिंग द फोटो ऑफ योर क्वेश्चन. यू कैन ऑल्सो आस्क बाय टॉकिंग विद योर एडुकेटर, यू कैन स्पीक विद योर एडुकेटर. वी ऑलवेज कंडक्ट द पोल्स ओवर देयर, लाइक इन एनी सेशन इफ यू कंडक्ट एनीथिंग, है ना? इफ यू कंडक्ट एनीथिंग, सो एट द एंड ऑफ द सेशन वी ऑलवेज हैव द पोल्स, राइट? विच गिव्स यू अ शॉर्ट रिविजन वॉट सो हैव यू हैव स्टडीड इन द सेशन. एंड वी ऑल्सो शो यू द लीडर बोर्ड सो दैट यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर सेल्फ दैट वेयर यू एग्जिस्ट, राइट? तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है किसमें, प्लेटफॉर्म पे, तो जाकर विजिट कीजिए, है ना? एंड सम मोर बेनिफिट्स आर देयर, लाइक यू गेट ऑल द एंसर्स इन द PDF फॉर्मेट, है ना? आपको PDF फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है? यू गेट डिफरेंट एडुकेटर्स फॉर स्पेशलिस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? एंड यू हैव रियल टाइम इंटरेक्शन, टेस्ट सीरीज आर अवेलेबल देयर, है ना? ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, तो बस आपको अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो अनअकैडमी इज द राइट प्लेटफॉर्म, राइट? एंड इस समय आपके कुछ बैचेस भी चल रहे हैं, है ना? राइट, लाइक राइट नाउ वी आर ऑन गोइंग विद द बैचेस विद द कोर्सेस. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द अचीवर्स कोर्स विच इज ऑन गोइंग राइट नाउ. ये बैच चल रहा है आपका, ठीक है? 4th of May से ये स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए.
ये उन बच्चों के लिए है जो कि अभी 12th क्लास में अपियर हुए हैं, आए हैं, है ना। तो उनके टर्म फर्स्ट का सिलेबस जो है वो कवर कराया जा रहा है इस टाइम पे। डेफिनेटली गो, जाकर देखो इस बैच को। मोहना मैम विल बी लीडिंग योर फिजिक्स पार्ट, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर बायोलॉजी पार्ट, एंड ज्योति मैम विल बी टेकिंग योर मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए अवेलेबल है, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी कोर्स के बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम कम्युनिटी पोस्ट एंड स्पेशल क्लासेस, दीज थ्री आर द बिगेस्ट फीचर्स दैट यू हैव ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो इस कम्युनिटी पोस्ट को कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको DPPs मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, इमेजेस, शॉर्ट ट्रिक, ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। बाकी बातें हम साथ साथ में पैरेलली करते रहेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द मोटिव ऑफ आवर टुडेज क्लास। आज हम क्या करने वाले हैं पहले एक बार वो समझ लेते हैं। ठीक है, सो बॉस आज के इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस विच आर योर 1 मार्कर क्वेश्चंस। इज इट बफरिंग? इज इट बफरिंग राइट नाउ? इट सीम्स टू बी बफरिंग। हेलो, हाय, यस। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आई वाज टेलिंग दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, एंड दिस क्वेश्चंस आर 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन। जो आपके 2019 2020 के जो पेपर्स हुए हैं ना, उनमें जो भी आपके 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चंस आए ना, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आज हम कंडक्ट करने वाले हैं। ऐसे ही अगर आपको ये पसंद आएगा तो वी विल टेक द 5 मार्कर क्वेश्चंस एज वेल, जो कि आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उनका भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, बट आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपका। ठीक है, बहुत जल्दी ही हम इन्हें कवर अप कर लेंगे। कुछ 30 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो दीज आर द 30 क्वेश्चंस विच यू मस्ट डू इफ यू आर द वन हु इज अबाउट टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन। तो उससे पहले आपको ये क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। ठीक है, तो इफ यू गाइज आर रेडी देन वी कैन स्टार्ट। आई विश, है ना, वी कैन स्टार्ट। मेरिनो इज हेयर, हाई मेरिनो, हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज योर एग्जामिनेशन गोइंग ऑन, प्रिपरेशन? व्हाई आई एम सेइंग द वर्ड एग्जामिनेशन अगेन एंड ओवर अगेन। ओके, तो वी आर प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द प्रिवेंटिव मेथड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। निमोनिया के लिए, टाइफॉइड के लिए और फ्लेरियासिस के लिए आपको बताना है कौन है कॉजिटिव एजेंट। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आइए जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। इफ आई टॉक अबाउट द ए ऑप्शन, देन हु इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। तो निमोनिया का जो कॉजिटिव एजेंट है, लेट मी राइट, मेक द 3 कॉलम्स। द फर्स्ट कॉलम इज फॉर द डिसीज, सेकेंड कॉलम इज फॉर द कॉजिटिव एजेंट, एंड थर्ड इज वन द प्रिवेंशन। ठीक है, तीनों का डिस्कशन करते हैं। और पहले ही सवाल के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो एक आंसर क्या होगा, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है। तो यू मस्ट नो दैट निमोनिया इज बेसिकली कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, राइट। सो दिस इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ निमोनिया। सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट द टाइफॉइड, देन टाइफॉइड इज बेसिकली कॉज बाय द सेल्मोनेला टाइफी, राइट, सेल्मोनेला टाइफी। एंड द थर्ड वी हैव दैट इज फ्लेरियासिस, है ना, जिसमें आप एलिफेंथियासिस भी कह सकते हो। दिस इज बेसिकली कॉज बाय बुचेरिया बनक्रॉफ्टी। यही सेम सवाल जो है आपके एलिफेंथियासिस के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉजिटिव एजेंट, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रिवेंशन, देन व्हाट आई कैन से अबाउट द प्रिवेंशन, दैट लाइक सिंपली फॉर द निमोनिया, है ना, यू शुड नॉट हैव द कंटेमिनेटेड फूड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेमिनेटेड? कंटेमिनेटेड मीन्स समथिंग विच इज हैविंग द पैथोजेंस, लाइक इफ अ वाटर इज देयर विच इज कंटेमिनेटेड, दैट मीन्स इट हैज सम सॉर्ट ऑफ पैथोजेंस।
So you should not have the contaminated food and water. Food and water. You should maintain the hygiene. Okay. So these are the some of the prevention method that you should always have, है ना? तो like if I ask about the malaria and these, so they have the causative agent like आपको डॉट नेट डॉट लगवाने चाहिए, है ना? आपको प्रॉपर like स्टेराइल वाटर आपको नहीं रखना है ना, स्टेगनेंट वाटर नहीं रखना है आपको अपने आसपास. दीज आर द प्रिवेंशन एजेंट जो कि मोस्टली डिसीज के सेम होते हैं, तो आप उन्हें राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर कैर्सिनोमा. कैर्सिनोमा क्या होता है? यू नो व्हाट इज कैर्सिनोमा? सो दिस इज ऑल्सो अ वन मार्कर क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, है ना? तो सेम ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के चैप्टर से है. तो इसका आंसर जो होगा दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्यूमर, है ना? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, विजिबल, यस, इज इट कमिंग? सो कैर्सिनोमा इज द ट्यूमरस ऑफ एपिथीलियल सेल्स. एपिथीलियल सेल्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल योर स्किन, ब्रेस्ट, लंग्स कैंसर. इसका जो ट्यूमर होता है दैट इज वॉट वी कॉल कार्सिनोमा. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. आते हैं अगले सवाल की तरफ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डज मलेरिया डिफरेंट फ्रॉम चिकनगुनिया विद रेफरेंस टू देयर वेक्टर. वेक्टर के रेफरेंस में आपको बताना है कि मलेरिया में और चिकनगुनिया में क्या डिफरेंस है. यस, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी चेक माई वॉइस इज क्लियर और नॉट. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? आई एम ऑडिबल. हेलो हेलो, यस इट्स ऑडिबल. सो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो आइए जानते हैं. तो अगर हम बात करें मलेरिया के बारे में, सो मलेरिया इज हैविंग द वेक्टर विच इज कॉल्ड एज द एनोफिली. एनोफिली इज मॉस्किटो. एनोफिली मॉस्किटोज जो क्या है, विच इज अ फीमेल. इट इज अ फीमेल मॉस्किटो जो कि बाइट करती है, और इट इज स्प्रेड्स द मलेरिया विच इज द कॉज, विच इज द वेक्टर. एंड हु इज द कॉजेटिव एजेंट? कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम. ठीक है, मगर हमसे सिर्फ वेक्टर के बारे में पूछा था, इसे वेक्टर का डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द चिकनगुनिया, सो इट्स वेक्टर और द स्प्रेडिंग एजेंट इज नथिंग बट द एडीज मॉस्किटो. ठीक है, सो आपको बताना चाहिए कि आप मॉस्किटोज की भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, स्पीसीज होती है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट, सो डिफरेंट लाइक एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिली, सो दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज विच बेसिकली स्प्रेड्स द डिसीज. अगले सवाल पर अगर हम आए तो कह रहा है कि हाउ डज द हीमोजोइन अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलीज इन द ब्लड ड्यूरिंग द मलेरियल इन्फेक्शन. हीमोजोइन जो है वो आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है जब वो आपकी बॉडी में एंटर करता है या रिलीज होता है. तो इसके लिए आपको प्रॉपर लाइफ साइकिल जो है वो किसकी, मलेरिया की, पता होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए देखते हैं कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको. सो इफ आई टॉक अबाउट देन लाइक दिस इज वन, मान लेते हैं कि एक मॉस्किटो है. कोशिश तो बनाने की भैया, है ना? तो कुछ और बन जाए तो पता नहीं.
ठीक है, मान लो अगर ये मॉस्किटो है तो इस मॉस्किटो ने किसी को बाइट किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके ब्लड के अंदर क्या रिलीज हो जाएगा, उसके ब्लड में स्पोरोजॉइट्स रिलीज हो जाएंगे, राइट। स्पोरोजॉइट इज अ इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ मलेरिया, तो दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोजॉइट। ये कहाँ पर होते हैं, ये किसी भी मॉस्किटो के गट के अंदर पाए जाते हैं। मान लो अगर ये मैं मॉस्किटो की बॉडी बना रहा हूँ, सो इट इज हैविंग द टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द गट, सेकेंड इज द माउथ। सो इन साइड द माउथ इट हैज द सलाइवा, एंड इन साइड सलाइवा व्हाट इट हैज स्पोरोजॉइट्स। वंस इट रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, दे विल रीच इन टू द लिवर सेल्स। ये कहाँ पहुंच जाएंगे, लिवर में पहुंच जाएंगे। एंड वंस दे रीच एट द लिवर, देयर वी हैव द हेपेटोसाइट सेल्स, जहां पर ये अपना एक्शन करेंगे और हेपेटोसाइट सेल्स को किल करेंगे, एंड दे विल डेवलप इन टू द मीरोजॉइट्स, है ना। शिजोइड स्टेज आकर ही मीरोजॉइट में चेंज होंगे, मीरोजॉइट करने के बाद फिर ही जाएंगे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर वापस से। तो वंस दे एंटर इन साइड द ब्लड स्ट्रीम एज अ फॉर्म ऑफ अ स्पोरोजॉइट, दे एंटर इन साइड द लिवर सेल्स, इन साइड द लिवर दे किल द लिवर सेल्स, एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दे किल द लिवर सेल्स। नाउ आफ्टर किलिंग द हेपेटोसाइट्स, दे विल एंटर इन साइड द ब्लड स्ट्रीम अगेन, एंड देयर दे विल एंटर इन टू द आरबीसीज। इफ दीज आर योर आरबीसीज, सो दे विल एंटर इन साइड द आरबीसीज। सो वी कैन से नाउ मीरोजॉइट एंटर इन साइड आरबीसी, और आरबीसी में जाने के बाद ये वहां पे आपको आरबीसी को फाड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो दे विल डेवलप इन साइड द आरबीसी, और ये मैच्योर होने के बाद क्या बना देंगे, शिजॉइंट, और शिजॉइंट विल कन्वर्ट इन टू द ट्रोपोजॉइट, ट्रोपोजॉइट, ठीक है। और ये जो ट्रोपोजॉइट है फिर ये रिलीज होगा, और फिर ये जो फर्दर जाके आपके और आरबीसी को फाड़ेगा। अब जब एक आपकी आरबीसी जो होती है वो रप्चर होती है ना, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, तो पहले वो एक रिंग स्टेज बनाती है। रिंग स्टेज में क्या होता है, लाइक इफ दिस इज द रिंग स्टेज, सो इट हैज अ बिग वैक्यूल, और यहाँ पे होता है छोटा सा न्यूक्लियस। तो कैन यू सी दिस इज समवट लुकिंग लाइक अ रिंग, है ना। तो ऐसी स्टेज बन जाती है आरबीसी की, और इसके अंदर यहाँ पर जैसे ही आपके ये ट्रोपोजॉइट मल्टीप्लाई होंगे, मीरोजॉइट मल्टीप्लाई होंगे, वहां से रिलीज होगा, ये आरबीसी जो होगी ये रप्चर हो जाएगी, इस तरीके से फट जाएगी, और इनसे क्या बाहर निकलेंगे, इनसे बाहर निकलेगा एक केमिकल विच इज कॉल्ड एज हीमोजोल, ठीक है। सो रप्चरिंग ऑफ आरबीसी रिलीजेस अ केमिकल विच इज कॉल्ड एज हीमोजोइन, विच कॉजेज द चिल, फीवर, हेडेक इन एवरी रिपीटिवली 3 डेज। 3 दिन के हर रिपीटेशन में क्या होगा, आपको ये चिल फीवर वगैरह आना स्टार्ट होंगे, और यही है जो कि एक बैड इफेक्ट आपकी बॉडी में पहुंचेगा बिकॉज ऑफ दिस हीमोजोइन, विच इज रिलीज आफ्टर रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के रप्चर होने की वजह से ये रिलीज हुआ है, ठीक है। सो 3 स्टेज यू हैव टू रिमेंबर, द फर्स्ट स्टेज इज स्पोरोजॉइट विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज, द सेकेंड स्टेज इज योर मीरोजॉइट जो कि हेपेटोसाइट के अंदर फॉर्म हुई है, हेपेटोसाइट के अंदर जब प्लाज्मोडियम वो एसेक्सुअली मैच्योर हुआ है, रिप्रोड्यूस किया है, तो क्या बना, मीरोजॉइट। फिर वो पहुंचा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में आरबीसीज में जाके उसने मैच्योर होके ट्रोपोजॉइट बनाया, एंड आफ्टर ट्रोपोजॉइट इट विल एंटर इन साइड द यू नो मॉस्किटो गट। ये अलग कहानी है, वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट द मेन क्वेश्चन इज हीमोजॉइन कैसे रिलीज होता है, आरबीसीज के रप्चरिंग से। किसने आरबीसी को रप्चर किया, प्लाज्मोडियम की स्टेज जो कि है मीरोजॉइट, ठीक है। और इनके रप्चरिंग से क्या निकला, चिल, फीवर, हेडेक होगा आपको इस वाले केमिकल से। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से इज एन एंटीवायरल प्रोटीन रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड डाइंग सेल, जो सेल्स इन्फेक्ट हो रखे हैं किसी भी वायरस से या किसी भी बैक्टीरिया से, उनसे क्या कौन सा लाइक यू नो प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन निकलता है, एंटीजन, एंटीबॉडीज, एंटी सीरम, या फिर इंटरफेरॉन, या फिर इंटरफेरॉन। यस, क्या लगता है आपको,
ठीक है आंसर। अनीता इज ऑल्सो देयर, नाना की सिंग्स अ डी विच इज यू मीन टू से दैट इंटरफेरॉन इज द करेक्ट आंसर राइट। इंटरफेरॉन, ओके लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इंटरफेरॉन जो कि एक डाइंग सेल या फिर कोई भी एक आपकी वायरल इन्फेक्टेड सेल होती है ना, वायरल इन्फेक्टेड सेल आपकी बॉडी की, दैट बेसिकली रिलीज अ केमिकल विच इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन जस्ट टू प्रिवेंट द अदर सेल्स। ओके तो इट्स लाइक अ कुर्बानी। ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है, लाइक द टर्म वी हैव दैट इज योर एंटीजन्स एंड इंटरफेरॉन, दीज आर द टर्म्स। तो ये समझते हैं क्या मतलब है इसका। अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म के बारे में जो कि है एंटीजन, तो एंटीजन इज नथिंग बट इट इज अ सब्सटेंस दैट हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना काम किसका होता है, एंटीजन्स का। एंटीजन इज नथिंग लाइक यू कैन कॉल इट एज कि मान लो कोई अगर वायरस आपकी बॉडी में आया ना, तो उस वायरस के पास क्या होगा, एंटीजन होगा। और जैसे ही उस एंटीजन को हमारी बॉडी कोई सेल अगर देखेगी, तो ये तो हमारी बॉडी का सेल तो एंटीजन है, ये तो कहीं बाहर से आया है। सो इफ आवर सेल आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर एंटीजन जो किसी बाहर का है, फॉरन पार्टिकल है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जनरेट होता है, एक इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। तो किसने करवाया, ये करवाया इस एंटीजन, और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज। सो कैन आई से प्रोड्यूसेस या विच लेड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, लीड्स टू एक्वायर इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम जनरेट करेगा एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगा। दिस इज द आंसर फॉर द एंटीजन। एंटीजन इज एनी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सब्सटेंस विच हैज द कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स इन साइड द ह्यूमन बॉडी एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज बनाने के लाइक कैपेबल हो उसे आप कहते हो क्या, वी कॉल इट एज एंटीजन। सेकेंड वी हैव द इंटरफेरॉन। सो इंटरफेरॉन आर द प्रोटीन्स इन साइड द बॉडी विच आर प्रोड्यूस बाय द सेल इज डाइंग और इन्फेक्टेड सेल्स। सो सेकेंड इफ आई टॉक अबाउट एंड इंटरफेरॉन आई कैन से दीज आर प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल या वायरल इन्फेक्टेड सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल व्हेन द सेल इज डाइंग टू प्रिवेंट अदर सेल्स, बाकी सेल्स पड़ोसी वाली सेल को बताने के लिए कि भाई तुम अपनी जान बचा लो, है ना, कि एक किसी की एंट्री हो चुकी है। दैट इज द रोल ऑफ इंटरफेरॉन। ठीक है चलिए, तो आई थिंक इट्स क्लियर यू। और आपको याद रखना है कि इंटरफेरॉन जो है बेसिकली दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन, और लाइक ये जो है ये इन्वॉल्व होता है आपका सेल मेडिएट इम्यूनिटी के अंदर। कौन सी इम्यूनिटी, सेल मेडिएट इम्यूनिटी। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, वट यू हैव टू रिमेंबर दैट जो आपका इंटरफेरॉन है ना, वो कौन सी इम्यूनिटी बनाता है, दिस क्रिएट अ सेल मेडिएट इम्यूनिटी।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ऐसे आप याद रखना कि आपके जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं और जो आपकी बी लिंक बी सेल्स होती हैं, टी सेल्स और बी सेल्स जो है ना, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट द टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएट एंड दिस इज इन्वॉल्व इन द ह्यूमोरल इम्यूनिटी. दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट. नेक्स्ट कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रोकेमिकल्स बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स. जो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया गया था, प्रेफर किया गया था. तो बेसिकली ये क्या इंक्लूड करते हैं? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आरएनए इंटरफेरेंस, या सभी के सभी, या सभी के सभी जो है वो आपके एग्रोकेमिकल्स में आते हैं. क्या लगता है आपको? Do you think? देखिए आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. एग्रोकेमिकल्स जो बेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इनका यूज करना इंक्रीज हुआ, और बेसिकली दे इंक्लूड्स द फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स. ठीक है, वट वॉज द मेन मोटिव ऑफ एग्रोकेमिकल्स? इनका मेन मोटिव था कि यार ये आपकी क्रॉप फील्ड्स में इंक्रीज करें, वेराइटीज को लेके आए. मोटिव क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? टू इंक्रीज वेराइटी ऑफ क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड्स में वेराइटी इंप्रूव करें. सेकेंड, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स. थर्ड, देयर मोटिव वॉज टू इंक्रीज करें एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करें. एंड यू कैन से न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करें. ठीक है, ये कुछ मोटिव थे ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज जनरली ग्रोन इन द इंडिया बाय द फार्मर्स. फर्स्ट इंडियन बीटी क्रॉप कौन सी थी? फर्स्ट इंडियन बीटी क्रॉप कौन सी थी? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, या फिर मेस, या फिर मेस. तो यू शुड नो दैट द फर्स्ट, आई थिंक इट्स बफरिंग राइट, व्हाई इट सीम्स टू मी आई राइट. इफ आई टॉक अबाउट कौन सी थी, वो थी आपकी बीटी ब्रिंजल. एंड इट्स नॉट जस्ट वन जो हमने बनाई है बीटी क्रॉप, वी हैव मोर बीटी क्रॉप्स. लाइक वी हैव प्रोड्यूस द बीटी पोटैटो, वी हैव प्रोड्यूस बीटी टोमेटो, वी हैव प्रोड्यूस बीटी राइस, वी हैव प्रोड्यूस बीटी कॉर्न, वी हैव प्रोड्यूस बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन. जैसे बहुत सी हमारे पास वैरायटीज है जो जो कि हमने बीटी क्रॉप्स बनाई है. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. आते हैं अगले सवाल पे. बताओ बी सेल्स और टी सेल्स में क्या डिफरेंस है? वन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द बी सेल्स एंड टी सेल्स. नाउ सॉरी, बी सेल्स और टी सेल्स होती क्या है पहले ये बताओ. तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यू बी सी. डब्ल्यू बी सी विच आर द शोल्डर सेल्स ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी में होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. लाइक इफ आई क्लासीफाई दैम, देन आई कैन से दैट वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सी. वन इज कॉल्ड एज द ग्रेनुलोसाइट एंड सेकेंड इज ए ग्रेनुलोसाइट. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट आर फादर ऑफ थ्री टाइप्स. लाइक वी हैव द इओसिनोफिल, वी हैव बेसोफिल्स, वी हैव न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसिकली दी आर दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल एंड दे आर
so much in number, है ना, they are very huge in number. So whenever there is any type of infection inside the body, so these are the first cell which reaches to the action site. सबसे पहले आती है और सबसे ज्यादा होती है नंबर्स में, ठीक है, मगर सबसे पहले मरती भी यही है, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास ए ग्रेनुलोसाइट विच इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज मोनोसाइट. मोनोसाइट हैज सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट अंडरलाइनिंग द टिश्यूज, जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं. सो दीज आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस, ठीक है. तो मैक्रोफेजेस आर द टाइप्स ऑफ मोनोसाइट. सेकेंड वी हैव द लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट आर ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी सेल्स एंड टी सेल्स. सो बी सेल्स एंड टी सेल्स दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. बी सेल्स जो होते हैं आपकी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, और टी सेल्स जो है ये आपकी दे आर द पार्ट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड दे आर द पार्ट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड दे आर द पार्ट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. आते हैं अगले सवाल पे. स्टेट टू डिफरेंट रोल इन द स्प्लीन द ह्यूमन बॉडी. स्प्लीन के आपको दो फंक्शंस बताने हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर. अगर हम एक्सप्लेन करें व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्प्लीन्स, तो स्प्लीन इज अ ऑर्गन विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड बिलो द डायफ्राम, है ना. तो इफ आई टॉक अबाउट द रोल, सो फर्स्ट रोल ऑफ द स्प्लीन इज, फर्स्ट रोल ऑफ स्प्लीन इज दैट इट एक्ट एज आरबीसी आरबीसी रिजर्वॉयर, है ना. इट एक्ट एज अ आरबीसी रिजर्वॉयर, ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सी बेसिकली आरबीसीज आर, यू नो, आरबीसीज की डेथ होती है वो कहाँ पे होती है, स्प्लीन में, मगर लिवर में भी होती है. देन सर व्हाई आर वी कॉलिंग लाइक द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज ऑनली द स्प्लीन नॉट द लिवर, बिकॉज लिवर हैज मोर फंक्शंस. लिवर के पास लाइक और भी बहुत सारे काम होते हैं. इट हैज अ लॉट ऑफ मोर फंक्शंस, लाइक आपकी बॉडी में प्रोटीन्स का जनरेशन करना, ग्लाइकोलाइसिस करना, है ना. तो ऐसे बहुत से काम है लिवर्स के पास. उन्हीं में से एक काम क्या है, आरबीसी को रिसाइकल करना, ठीक है. मगर स्प्लीन में क्या होता है, स्प्लीन में आपके आरबीसी जाके डिकम्पोज हो जाती है, या फिर आई कैन से दीज एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ द आरबीसी. तो स्प्लीन का मेजर काम सिर्फ आरबीसी के रिगार्डिंग ही है. दैट इज वाई वी कॉल्ड स्प्लीन एज अ ग्रेवयार्ड, ठीक है. यहाँ पे जो आरबीसी है वो टूट जाती है हीम के अंदर एंड ग्लोबिन के अंदर. ग्लोबिन जो है प्रोटीन से जो इस्तेमाल होता है, और हीम जो है वो आगे जाकर फिर आपके फर्दर यूटिलाइज हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है एक तरीके से, ठीक है. सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस है इसके, वो आप याद रखना है. तो पहला फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ आरबीसी रिजर्वॉयर, ठीक है. सेकेंड फंक्शन है इसका, इट एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ट्रैपिंग ब्लड इन्फेक्शंस. जो आपके ब्लड में जितने भी पैथोजेंस घूम रहे होते हैं ना, तो उनको एक फिल्टर करने का काम भी कौन करता है, ये स्प्लीन करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है. सो दीज आर द टू फंक्शंस. कमिंग टू द माल्ट, है ना, व्हाट, वेयर आर माल्ट प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. वेयर आर माल्ट प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. जीएचटी बूट इज हेयर. हाय, इट्स अ वियर्ड नेम, है ना, बट इट्स नाइस टू कीप योर प्राइवेसी. ग्रेट. यस, व्हाट इज माल्ट. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माल्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट दैट वेयर आर दे लोकेटेड एंड व्हाट इज द फंक्शन. देखिए आंसर. सो द माल्ट इज नथिंग बट द म्यूकोसा
एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन इज म्यूकोसल लेयर. आपकी बॉडी में जो भी म्यूकोसल लेयर होती है ना, म्यूकोसल एपिथेलियम की जो लेयर होती है, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू जो कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आने पर आपकी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं. सो इनकी लोकेशन क्या है? वो है आपकी अंडरलाइनिंग ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसल जिसे आपके रेस्ट या म्यूकोसल ट्रैक्ट यू कैन से, है ना, दे आर प्रेजेंट अंडर, दे आर प्रेजेंट एट द अंडरलाइनिंग ऑफ म्यूकोसल ट्रैक्ट, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि आपका स्टमक, ठीक है, तो इन सब जगहों पे प्रेजेंट होते हैं. दैट इज द लोकेशन ऑफ द माल्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू स्मोकिंग टबैको इन द ह्यूमन लीड्स टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी? टबैको कंज्यूम करने से, स्मोकिंग से कैसे आपकी बॉडी में, लाइक ह्यूमंस की बॉडी में किस तरह के कैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो यू मस्ट नो, इफ आई चेक द आंसर देन यू नो. स्मोकिंग से क्या होता है, आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन. हीम बाउंड ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे कौन कौन रिड्यूस कर देती है? ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड. और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, और विच लीड्स टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. दिस पर्टिकुलरली लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. सी, इन द एग्जामिनेशन यू शुड बी ऑलवेज रिमेन पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द आंसर, लाइक जो आपकी बॉडी में स्मोकिंग की गैस जाती है वो एल्वोलाई में पहुंचती है. एक मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल आंसर लिख के आओ, है ना, बी पॉइंट टू पॉइंट. सो वी कैन से इट लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशियंसी, इट लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशियंसी. ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. आते हैं अगले सवाल की तरफ. विच स्पीशीज ऑफ द बी इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द हनी प्रोडक्शन? हनी प्रोडक्शन में कौन सी स्पीशीज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको सिंपली नाम बताना है उस स्पीशीज का. यस, कैन समवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्पीशीज नेम जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में हनी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज विच इज बेसिकली यूज सबसे ज्यादा मात्रा में फॉर द हनी प्रोडक्शन? सो द नेम ऑफ द स्पीशीज इज एपिका एपिक्स इंडिका. एज वी आर राइटिंग द नेम, सो स्पीशीज एंड जीनस शुड बी रिप्रेजेंटेड एंड इट शुड बी अंडरलाइन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज एपिक्स इंडिका इज द स्पीशीज ऑफ द हनी बीज विच आर यूज फॉर द हनी प्रोडक्शन. अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? डायरेक्ट सवाल है ना, इजी सवाल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनिमल हस्बेंड्री is rearing, caring, feeding and you can say breeding.
of domesticated animals. ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की रेयर करना है ना, उन्हें पालन पोषण करना, उनकी केयरिंग करना, उसे अच्छे से खाना खिलाना और फिर उनको रिप्रोड्यूस करवा के उनकी ब्रीडिंग को अच्छी ब्रीड उनकी प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड एज द एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आप कह सकते हो कि यार इसमें कुछ आते हैं आपके पिसिकल्चर्स, जिसमें आप फिशेस को कल्चर करते हो ना, फिशेस की रेयरिंग करते हो। नेक्स्ट आई कैन से इट ऑल्सो इंक्लूड्स, थोड़ा सा इसको साफ लिखते हैं, व्हाट भी है, फर्स्ट भी है, पिसिकल्चर लाइक फिश रियरिंग, ठीक है। सेकंड वी है एपिकल्चर, वेयर आई कैन से बीज कीपिंग। थर्ड वी है पोल्ट्री, जहाँ पे आप फाउल्स को बियर करते हो, फाउल्स केयरिंग। एंड वी ऑल्सो हैव लाइव स्टॉक्स, जहाँ पे आप कैटल्स को ब्रीड करवाते हो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एनिमल हस्बेंड्री। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलिसा, एलिसा इज व्हाट, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो एलिसा इज, यू नो, यू शुड नो दैट इट इज अ नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स। तो एड्स का एक नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट है एलिसा। व्हाट इज द फुल फॉर्म, एलिसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी है ना, एंड दिस इज बेसिकली द टेस्ट, नॉन कंफर्मेटरी टेस्ट। आपको बताना है कि इट इज ओनली द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक पैथोजन, या फिर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, या फिर एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों ही प्रेजेंट होती हैं, या फिर जेनेटिकल मटेरियल होता है सीरम के अंदर। इसमें ये एलिसा टेस्ट जो है क्या डिटेक्ट करता है, क्या ढूंढता है आपकी बॉडी में, जिससे कि एड्स का पता लग सके। क्या एंटीजन को, एंटीबॉडीज को, एंटीजन एंटीबॉडीज दोनों को, या फिर जेनेटिकल मटेरियल जो कि आरएनए होता है, आरएनए को ढूंढता है। ये किसको ढूंढता है बताओ, ए बी सी डी, किसको ढूंढता है ये? देखें, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो एलिसा टेस्ट है वो आपकी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडीज को फिगर आउट करता है, ढूंढने की कोशिश करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, इस पर और भी डिस्कशन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके कि क्यों हम एलिसा को ही नॉन कन्फर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। वी हैव द ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वी हैव द पीसीआर, दे आर नॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट, दे आर कन्फर्मेटरी टेस्ट इवन, है ना, ये कन्फर्म कर देते हैं। तो क्यों हम इसे नॉन कन्फर्मेटरी और बाकियों को कन्फर्मेटरी कहते हैं, क्या कारण है इसका, तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में एक्सप्लेन कर रखा है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट मैमल जिसे सक्सेसफुली क्लोन किया गया था, वो कौन है, वो है आपकी शीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज बीन यूज इन प्रोड्यूसिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट रेसिस्टेंट टू। एमआरएनए में आप किसी भी ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन करते हो किससे बचाने के लिए, व्हाइट रस्ट से बचाने के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट से, बूल वॉर्म से, या फिर नेमाटोड से। आरएनए साइलेंसिंग क्यों की जाती है, आरएनए साइलेंसिंग क्यों की जाती है? देखें आंसर, सो लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर।
ओके सम स्टूडेंट्स आर सेइंग इंटरफेरॉन जीटी बूटिंग ओके सी एंड डी ओके लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेमाटोड्स तो नेमाटोड से बचाने के लिए आप एमआरएनए की साइलेंसिंग करते हो होता कैसे है ये हम इसे एक्सप्लेन करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चंस में ठीक है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेमाटोड से बचाने के लिए अगला सवाल है गिव द कॉमर्शियल यूजेज ऑफ द फॉलो आपको ब्रॉयलर्स का कॉमर्शियल यूज देना है फेदर्स का और मैन्योर्स का इनका कॉमर्शियल यूज क्या होता है ये आपको बताना है व्हाट इज देयर कॉमर्शियल यूज देखें ब्रॉयलर्स यू शुड नो दैट दीज आर द चिकन ब्रीड ये चिकन्स की कुछ ब्रीड होती है तो इन्हें मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना ईटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फेदर्स की बात करें तो ये पिलो के लिए इस्तेमाल की जाती है दीज आर द यू नो सब्सिडरी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके मतलब ये कुछ ना ऐसे नहीं कि हम इसे लेने के लिए ही हम फेदर्स लाइक यू नो बर्ड्स वगैरह को पोल्ट्री करते हैं ऐसा नहीं है ये हमारे पास बस ऐसे बच जाते हैं तो उनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं दीज आर द सब्सिडरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम इसका वी यूज देम फॉर पिलो फॉर्मेशन ठीक है डेकोरेशन में हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं तो इन सब जगहों पे जो है इनका इस्तेमाल होता है नेक्स्ट इज योर मैन्योर्स तो मैन्योर्स आप जाते हैं बेसिकली क्रॉप फील्ड्स में इनका इस्तेमाल होता है ठीक है सो ये जो है इनके क्या है कॉमर्शियल यूजेस हैं अगला सवाल है वाई डू एड इनोक्यूलम इन द कर्ड टू मिल्क फॉर कर्डलिंग इट इनोक्यूलम का एडिशन हम क्यों करते हैं दूध से दही बनाने में फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज इनोक्यूलम इनोक्यूलम इज अ स्मॉल डोज ऑफ एनी पैथोजन किसी भी पैथोजन का छोटा सा डोज जो होता है ना उसे आप कहते हो क्या पैथोजन मीन्स बैक्टीरिया हो वायरस हो कुछ भी चीज का एक छोटा सा डोज उसे आप कहते हो इनोक्यूलम तो हम दूध के अंदर वार्म मिल्क के अंदर हम थोड़ा सा इनोक्यूलम क्यों डालते हैं सो दैट टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड तो इसका जवाब सिंपल है ठीक है इनोक्यूलम जो होता है वो इन द केस ऑफ लाइक कर्डनिंग ऑफ द मिल्क इन केस ऑफ कर्डलिंग इनोक्यूलम इज एडेड विद एलएबी उसमें क्या होता है एलएबीज होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम है ना तो ये प्रेजेंट होता है उसमें एलएबीज में और ये एलिबीज करते क्या है ये आपके मिल्क के अंदर जो कैसीन नाम का जो प्रोटीन होता है ना उसको पहली बात तो जो एलिबीज है वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं सेकेंड इनका बेनिफिट क्या है कि ये आपकी बॉडी के आपके स्टमक के अंदर चेक फॉर एनी इन्फेक्शन ये किसी इन्फेक्शन आपके पेट में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसे फाइट करते हैं चेक फॉर एन इन्फेक्शन एंड फाइट विद देम ये उनसे फाइट करने में भी आपकी हेल्प करते हैं ठीक है नेम द न्यूट्रिशनल वैल्यू दैट इनहेंस बाय द कर्डलिंग ऑफ मिल्क बाय द लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं मिल्क के अंदर तो है B12 विटामिन B12 की जो मात्रा है वो इंक्रीज करते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी में लाइक यू नो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो सके आरबीसी की फॉर्मेशन ज्यादा हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर फर्स्ट रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली एंड राइट द आंसर हिंदुस्तान कुकिंग इज एयर नाइस नेम कुछ नया नाम यूनिक नेम लगा मुझे आपका हाय हाउ आर यू
हिमांशी इज सेइंग लैब, यस इट्स नॉट लैब है ना, इट्स कैपिटल LAB, दैट इज लैक्टो एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सवाल पे आ जाए, कह रहा है इंसुलिन वॉज ऑरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ द श्लगर्स कैटल्स एंड द पिग्स, क्या वहां से पहली बार इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया गया था. अगला सवाल है अगला पॉइंट है एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन, क्या एनिमल्स का इंसुलिन और ह्यूमन का इंसुलिन सेम होता है. नॉन ह्यूमन इंसुलिन कॉजेज सम पेशेंट टू बी डेवलप एलर्जीज, क्या कुछ पेशेंट में जो कि नॉन इंसुलिन नॉन ह्यूमन इंसुलिन कंज्यूम करते हैं क्या उन्हें एलर्जीज होने के चांसेस रहते हैं. एंड फोर्थ, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियनसिस, तो भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है ना, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से और गलत कौन सी है. पहली वाली एक तो जो है सही है ना, फर्स्ट टाइम कैटल्स एंड पिग्स से निकाला गया था. सेकेंड, ह्यूमन्स का और एनिमल्स का इंसुलिन सेम नहीं होता, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड, दिस इज करेक्ट, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है नॉन ह्यूमन इंसुलिन कंज्यूम करने से. और लास्ट है, रिकॉम्बिनेंट जो है वो बैसिलस थुरिंजियनसिस से नहीं बनाया गया था, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ठीक है, अगले सवाल पे आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड लाइक इनकॉग्निटो है ना, मेलाडिगाइनिन इनकॉग्निटो टू इन द टमैको प्लांट्स टू कंट्रोल द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, तो बताओ आपका कौन सा तरीका है ना, कौन सा स्टेप इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए, लाइक इन द केस ऑफ मेलाडिगाइनिन इनकॉग्निटो, तो कौन सा प्रोसेस आप इस्तेमाल करोगे और इसमें होता क्या है ये आपको बताना है. विच प्रोसेस इज यूज एंड वट इज द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, सो यू मस्ट नो कि मान लो कोई एक इनकॉग्निटो है, एक नेमाटोड है जो कि किसी प्लांट को खाने के लिए आ रहा है ना, तो हमने क्या किया, हमने इस प्लांट की सेल के अंदर हमने एक, या हमने क्या किया, हमने मान लो ये जो नेमाटोड है इसका जो डीएनए है, ठीक है, इसके डीएनए से हमने क्या होता है बेसिकली, आपको पता है सेंट्रल डोगमा क्या होता है, कि डीएनए जो होता है डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, और ये आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, तो ये जो डीएनए है इसकी दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक को आप कहते हो टेम्पलेट, एक को आप कहते हो एंटी टेम्पलेट. ठीक है, इससे बनता है आरएनए, लेट मी कॉल दिस आरएनए. तो जो टेम्पलेट से जो टेम्पलेट की जो स्ट्रैंड थी उससे जो आरएनए बनाया उसे आप कहते हो mRNA, या इसी को आप कहते हो सेंस आरएनए, सेंस आरएनए. ठीक है, अच्छा जो एंटी टेम्पलेट से बनेगा वो क्या होगा, या एंटी नहीं होती, इसे नॉन टेम्पलेट कहते हैं, नॉन टेम्पलेट. तो नॉन टेम्पलेट से जो आरएनए बनता है उसे आप कहते हो एंटी सेंस आरएनए. पहला वाला क्या है, सेंस आरएनए, दूसरा जो आरएनए होगा वो होगा एंटी सेंस आरएनए, मगर बनता हमेशा एक ही है और इसी से क्या बन पाता है, प्रोटीन्स बन पाते हैं. अब सोचो अगर हमने क्या किया, हमने इस वाले सिंगल एमआरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए दे दिया, तो फिर तो प्रोटीन्स बन ही नहीं पाएंगे, बिकॉज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही क्या होता है, प्रोटीन्स बन पाते हैं. तो यही हम करते हैं इस केस में, कि हम इस वाले नेमाटोड के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो कि इस वाले एमआरएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा और फिर आगे प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे और इसकी डेथ हो जाएगी. तो इस वाले प्रोसेस को आप कहते हो आरएनए इंटरफेरेंस, और इसमें करते क्या है, इसमें हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की प्रोडक्शन करते हैं. वैसे यूजुअली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिससे आगे जाके प्रोटीन्स बनते हैं, मगर अगर हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया तो प्रोटीन्स बन ही नहीं पाएंगे. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. कोई डाउट है तो पूरा प्रोसेस है वैसे इसका ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया लेक्चर्स के अंदर, अगर कोई डाउट है तो वो मेरे से अभी भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे. बताओ एंटी सेंस आरएनए क्या है, क्या आरएनए का अपोजिट सेंस, आरएनए का इन्वेस्टिगेटरी, या फिर नॉन कोडिंग सेल्स, या फिर आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री वाला, लाइक इफ दिस इज योर एमआरएनए, तो एमआरएनए के आप जानते हो इसके जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है उसी को तो आप कहते हो एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए. तो एंटी सेंस आरएनए क्या है, एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये लिखा हुआ है एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डीएनए ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए. बिल्कुल सही है, आपको पता है कि भाई डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्राइब किसमें हो जाता है, इट ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए, है रिमेन अ सिंगल स्ट्रैंड. बिल्कुल सही है, जो अकेला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, एंड कैन बी मेड टू कॉम्प्लीमेंट्री. अगर आपने इसे कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, अगर आपने इसे कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया तो दिस इज कॉल्ड, व्हाट डू वी कॉल दिस एंड व्हाट इज अ फंक्शन. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आप डाल रहे हो क्या होगा, वो होगा एंटीसेंस, है ना, एंटीसेंस आ रहे हैं, एंड ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा उस जीन एक्सप्रेशन को, इट विल ब्लॉक द जीन एक्सप्रेशन. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट वन सेकेंड नाउ.
Sorry for the interruption, huh? Right, I think you got the answer. That is option number A is the correct answer, है ना? Antisense RNA का जोड़ देना, this is called as the silencing of RNA, ठीक है? Scientific name of the source of organism from which the first antibiotic was produced. वो कौन सा, पहली बात तो आपको बता दूँ, एक मोल्ड था, है ना, which is a fungus. तो एक फंगस से पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, ना? फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज प्रोड्यूस बाय द फंगस हुज नेम इज पेनिसिलियम नोट एटम. पेनिसिलियम नोट एटम वॉज द फर्स्ट फंगस फ्रॉम विच द एंटीबायोटिक वॉज प्रोड्यूस विच वॉज प्रोड्यूस बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द माइक्रोब यूज फॉर द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड द फ्रूट जूस. तो फ्रूट जूस की प्रोडक्शन में कौन से माइक्रोब का आप इस्तेमाल कर सकते हो? तो अगेन दैट इज अ ईस्ट हुज नेम इज सैक्रोमाइसिटिस सर्वेशियम. सैक्रोमाइसिटिस सर्वेशिया, ठीक है, दैट इज द ईस्ट जिसका इस्तेमाल आप करते हो किसमें, लाइक फ्रूट जूस को बनाने में, फर्मेंटेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. नेक्स्ट इज बीओडू की मात्रा कम होगी तो बताओ सीवेज, वन सेकेंड, ठीक है, सो लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो ये कह रहा है कि बीओडी दो सैंपल है, एक तो सैंपल ए है और एक सैंपल बी है. एक में बीओडी की मात्रा इतनी है 120 एमजी पर लीटर और एक में है आपकी 400. तो बताओ किस सैंपल में ज्यादा पॉल्यूटेड होगा. तो याद रखना जितना ज्यादा बीओडी होता है ना उतना ही ज्यादा क्या है पॉल्यूशन होता है, उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड मैटर जो होता है या ऑर्गेनिक, मतलब कौन सा वाला पॉल्यूटेड मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट उतना ही ज्यादा होता है. ठीक है, तो बताओ किसमें ज्यादा होगा. अगर 400 वाले में ज्यादा बीओडी की मात्रा है तो इसमें पॉल्यूशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा. तो 400 वाले में हैज मोर बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विच मीन्स इट हैज मोर, विच मीन्स इट हैज मोर पॉल्यूशन, इट इज मोर पॉल्यूटेड. ठीक है, और बात करें कि क्यों उसे जब तक बीओडी रिड्यूस ना हो जाए जब तक उसे क्यों ट्रीट किया जाता है, बिकॉज जब तक कि बीओडी की मात्रा ज्यादा होगी तब तक उसमें पॉल्यूशन रहेगा. तो इट्स एन इंडिकेटर आप ऐसा मान सकते हैं. ठीक है, बाकी इसका पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्स ऑफ बैसिलस थुरैनजेनेसिस यूज एज अ बायो इंसेक्टिसाइडल. तो बिल्कुल सही बात है ना, बैसिलस थुरैनजेनेसिस का आप इस्तेमाल कर सकते हो किसमें, बायो इंसेक्टिसाइडल में, बिकॉज इट प्रोड्यूस अ टॉक्सिन जिसका नाम है आपका क्राई प्रोटीन. ये एक प्रोटीन अपने पास रखता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन और ये टॉक्सिक इन नेचर है. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसे खाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी. सो इट इज ए टॉक्सिक इन, इट प्रोड्यूसेज अ टॉक्सिन, ठीक है, विच इज यूज एज अ बायो इंसेक्टिसाइड. RNAi है ना, ये सिर्फ RNAi है, दैट इज RNA इंटरफेरेंस जो मैं आपको भी सिखाई चुका हूँ, है ना. इंटरफेरेंस जो है इसकी आपको एप्लीकेशन बतानी है और ये होता क्या है. तो पूरा प्रोसेस है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. दिस इज एक्चुअली अ 5 मार्कर क्वेश्चन, तो ये हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्रोटीन यूज टू ट्रीट द एम्फिसिया एम्फिजेमा. तो कौन सा है वो ट्रांसजेनिक प्रोटीन जिसका आप इस्तेमाल करते हो. तो दैट ट्रांसजेनिक प्रोटीन, वन सेकेंड,